सुबह वेलकम टू रुपेश वर्मा चैनल। जी हाँ दोस्तों, मैं अगर कुमार बेटे के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ द रेडियस ऑफ कर्व एंड द डिग्री ऑफ कर्व के बारे में। सो वी कैन नॉट टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्व एंड द डिग्री ऑफ कर्व। सो आपको इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपको रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं इस फिगर की। तो यहाँ दोस्तों एक सर्कल है, इसका जो पूरा डिग्री होता है 360 डिग्री का होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा। तो हम लोग जो लेंथ लिए ए बी का 30 मीटर एंड फ्रॉम ए टू सी इज अ रेडियस एंड फ्रॉम सी टू बी इज ऑल्सो अ रेडियस। जो इसमें एंगल है वो है डी, जो एंगल सी पे एंगल आपको दिख रहा होगा वो है एंगल डी, और इसका हम लोग लेंथ लिए 30। सो डी इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कर्व एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्व एंड ए बी इज द कॉर्ड ऑफ 30 मीटर लेंथ एंड ए सी इज इक्वल टू सी बी इज द रेडियस। हम लोग देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको जानना होगा सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है। 2πr यानी टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। तो हम लोग को निकालना है डी। तो देखिए दोस्तों, एंगल डी और उसके सामने हम लोग को 30 मीटर लेंथ है, तो सो डी अपॉन 30 मीटर। सो डी बाई 30 इज गल टू 360 अपॉन 2πr इज गल टू डी इज गल टू 360 इंटू 30 अपॉन 2πr इज गल टू डी इज गल टू 1718.87 बाई आर। सो थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग, कीप लविंग। Please subscribe my channel and press the bell button for the latest video of my channel. Thank you so much.